सुमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। एमपी प्रदेश सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। मिलावटखोरों को लगातार चेतावनी दे रही है कि सुधर जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक इनकी जमकर खातिरदारी ना करो ये सुधर नहीं सकते। मामा शिवराज के अधिकारियों ने मिलावटखोरों की लिस्ट बना ली है, उनके कारखानों की जांच कर रही है। अगर मिलावटखोरी करके काला साम्राज्य खड़ा कर रखा होगा तो कार्रवाई होनी तय है। हाल ही में गुना में मिलावट करते पाए जाने पर मिलावटी फैक्ट्री को बुलडोजर से गिराकर शिवराज ने साफ कर दिया था कि प्रदेश में मिलावट खोरो सुधर जाओ नहीं तो सबका यही हश्र होगा। लेकिन कुछ हैं जिन्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। ऐसे ही लोगों पर पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर कार्रवाई कर रहा है। मध्य प्रदेश में नकली मसाला, घी और खाने पीने के सामान के बाद अब जबलपुर में गाड़ियों में उपयोग होने वाला नकली ऑयल का भंडाफोड़ किया गया है। क्राइम ब्रांच ने पहले मदन महल और फिर लाडगंज में दो जगह दबिश देकर 19,000 लीटर ऑयल, 600 किलो ग्रीस ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे और बाकी सामान भी जब्त किए हैं। ये आरोपी इतने चालाक थे कि ये दिल्ली से सस्ते रिफाइंड ऑयल मंगाकर उसमें कलर मिक्स कर ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में पैकिंग कर बेच देते थे। और किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रदेश में ऐसा भी कुछ चल रहा है। सोचिए, 50 रुपए की लागत से तैयार कर एक डिब्बे को ये 180 से 300 रुपए में बेचकर लोगों को लूट रहे थे। आरोपी के घर से जो कार्टून जब्त हुआ उसमें 900 ml के 20 पैक की कीमत 6560 रुपए लिखी हुई है। सोचिए, जबकि इसे तैयार करने में सिर्फ 1,000 रुपए की कीमत लगती है। आरोपी रानी ताल के खिलाफ काला बाजारी करने और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में धारा 481, 482, 483, 484, 87, 88 और 89 धारा के साथ साथ कॉपीराइट एक्ट की धारा 51A, 52A, 63, 65, 68A और 103 के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। एक आदमी पर इतनी ज्यादा धाराएं लगाकर मामा ने बता दिया है कि मामा के प्रदेश में काला बाजारी करते पकड़े गए तो यही अंजाम होगा। जब पुलिस की टीम ने इस मिलावटी दुकान में दबिश दी तो वो भी हैरान रह गई। दुकान में रिफाइन ऑयल के भरे 88 ड्रम, 6 आधे ड्रम और ग्रीस से भरे 3 ड्रम, 60 खाली ड्रम और इसके अलावा कई छोटे बड़े डिब्बे बरामद हुए। आरोपियों के पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही कोई कागजात। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान भी कर दिया है। पहले मिलावटखोरी करते पाए जाने पर मात्र 3 साल की सजा होती थी, लेकिन अब मामा के प्रदेश में मिलावटखोरी की तो उम्र कैद की सजा दी है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले मिलावटखोरी करते पाए जाने पर मात्र 3 साल की सजा होती थी, लेकिन अब मामा के प्रदेश में मिलावटखोरी की तो उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसलिए प्रदेश में काला बाजारी करने वाले और मिलावटखोर सावधान हो जाएं, गलत काम कर जनता को लूटना बंद कर दें, नहीं तो मामा छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। खबर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।